नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल व्हील व्हील पे। और आज हम आए औरंगाबाद के सबसे फेमस यामा शोरूम एक्सिट मोबिलिटी में। और ये शोरूम जालना रोड पर आकाशवाणी का जो मेन चौक है वहीं पे काफ़ी बड़ा शोरूम है, आपको दिख जाएगा। यामा के सारे मॉडल्स, स्कूटर्स हो, बाइक्स हो, सब कुछ यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहता है। ये देखो बाहर फैशनो 125 के सारे कलर में लेटेस्ट मॉडल्स बाहर खड़े हैं। और आज हम यहाँ पर आए हैं यामा के सबसे लेटेस्ट और इंडिया के सबसे पहले 155 सीसी स्कूटर एरोक्स 155 के लिए। तो चलिए चलते हैं शोरूम के अंदर। और ये हम आ गए शोरूम के अंदर। यहाँ पे खड़ी है FZ, रेजर, FZ और ये R15 V3 का लेटेस्ट मॉडल ब्यूगलर में खड़ा है, देख लो। और अब चलते हैं अपने स्कूटर की ओर, एरोक्स 155 की। और ये देखो दोस्तों, सबसे पहला 155 सीसी स्कूटर जिसमें लगा है लिक्विड कूल सिस्टम। और ये इसका मोस्टर एडिशन है जिसे मोटो जीपी एडिशन भी कहते हैं। दोस्तों, शोरूम में दशहरे की वजह से काफ़ी भीड़ है और इसलिए यहाँ पे रिकॉर्ड करना थोड़ा अनकम्फर्टेबल है, इसलिए हम शोरूम के सर्विस सेंटर में जाके इसका रिव्यू करेंगे। दोस्तों ये देखो क्या दिख रही है गाड़ी, काफ़ी बोल्ड डिज़ाइन है गाड़ी का और काफ़ी स्टाइलिश दिख रही है, अभी तो आराम से उतर जाएगी। और बाइक का टायर कितना छोटा दिख रहा है इसके सामने, दूसरे स्कूटर से देख लो कितने छोटे दिख रहे हैं इसके सामने। ये देखो जुपिटर जा रहा है, क्या मैंने सरप्राइज ही कर दिया है इंडियन मार्केट को। दोस्तों, इस एक ही वीडियो में मैं आपको यामा एरोक्स 155 की हर छोटी से बड़ी डिटेल्स बताने की कोशिश करूंगा। कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़ हमारे चैनल व्हील व्हील को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखो दोस्तों, गाड़ी का फ्रंट काफ़ी बल्कि और अट्रैक्टिव। ये आपको पैनो बैक फिनिश में फ्रंट वाइजर मिलता है। यहाँ पे मॉइस्चर एनर्जी की बेजिंग और एनियोस की बेजिंग, काफ़ी क्रिएटिव जो लुक है गाड़ी को दिया है, काफ़ी बल्कि और स्पोर्टी लुक जो है कंपनी ने स्कूटर को दिया है। यहाँ पे थोड़ा मैट फिनिश में आपको गाड़ी की नेक मिलती है। और ये गोल्डन कलर में यामा का लोगो, ये नेम प्लेट का ऑप्शन। और ये फुल LED मेन हेडलैम्प, स्पेशल बात करेंगे इनके बारे में, काफ़ी ब्रॉड हेडलैम्प्स कंपनी ने दिए। ग्लोसी फिनिश में मडगार्ड, यामा की बेजिंग, मॉइस्चर का स्टिकर, स्पोर्टी टायर, स्टाइलिश ग्रिप के साथ ये मडगार्ड, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, काफ़ी मस्कुलर डिज़ाइन कंपनी ने दिया है। ये शानदार LED सेटअप, फुल्ली एरोडायनेमिक बॉडी है, स्लीक डिज़ाइन है। तो दोस्तों, शॉर्ट में हमने देखा इसका फ्रंट, अब देखते हैं इसका साइड और रियर प्रोफाइल। दोस्तों, LED DRL काफ़ी स्पेशल लुक देते हैं गाड़ी को, गाड़ी बिल्ड क्वालिटी जो काफ़ी अच्छी है। अगर आपको यहाँ पर गोल्डन लोगो मिल जाता है, इसके साथ फ्रंट डिस्क सेटअप। दोस्तों, टायर और ब्रेक्स के बारे में स्पेशली आगे वीडियो में बात करेंगे। और देखो, यहाँ भी आपको मिलते हैं LED इंडिकेटर्स, इसमें हेलोजन आता है, LED नहीं आता। स्लीक डिज़ाइन, काफ़ी बल्कि डिज़ाइन है दोस्तों साइड से इसका, नॉर्मल स्कूटर्स में नहीं आता है। और हमारे पास ये मॉइस्चर एडिशन मौजूद है, इसमें आपको ग्रे और रेड भी वेरिएंट मिलता है। अब देखते हैं इसका साइड प्रोफाइल। दोस्तों, इंडिया का ये पहला स्कूटर है जिसमें लिक्विड कूल्ड इंजन आता है, वो भी 155 सीसी का। और ये साइड में मिलते हैं मॉइस्चर के ग्राफिक। दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी रफ एंड टफ है गाड़ी की। और ये मॉइस्चर एनर्जी का बैज इधर मिलता है। और ये ऊपर वीवे की बैजिंग, दोस्तों वीवे के बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे। और ये है पैसेंजर फुटबैक, एल्यूमिनियम का फुटबैक है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। और ये है रेडिएटर, ये गार्ड है रेडिएटर का, इसके अंदर लिक्विड कूल सिस्टम है जो इंजन को ठंडा रखता है। दोस्तों, इंजन के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब देखते हैं इसका एग्जॉस्ट मफलर या साइलेंसर भी जिसे कहते हैं। दोस्तों, मफलर भी काफ़ी स्टाइलिश है और ऊपर प्लास्टिक इसलिए दिया है ताकि पैसेंजर को जो हीटिंग इश्यूज ना हो। अब देखते हैं दोस्तों गाड़ी के हाईलाइटेड सेक्शन, R15 V3 जैसे मोटे टायर 140/70 के। दोस्तों, ये पहला स्कूटर है जिसमें ट्विन शॉक एब्जॉर्बर आते हैं, लेफ्ट में भी स्प्रिंग है और राइट में भी स्प्रिंग है, काफ़ी अच्छा कंफर्ट गाड़ी से इसको मिलता है। और पीछे आपको मिलता है ये रिफ्लेक्टर और ये वाइट स्ट्रिप में ग्राफिक्स। और ये डिज़ाइन देख लो, मतलब क्या ही डिज़ाइन बनाया कंपनी ने। अगर आप ये सिग्नल में खड़े हो या रोड पर कहीं चला रहे हो तो बस आप बैठ जाओ गाड़ी पर, गाड़ी अपने आप आपको हाईलाइट कर देगी। दोस्तों, अब देखते हैं गाड़ी का रियर पोर्शन। यहाँ पे दोनों साइड आपको मॉइस्चर एनर्जी की बैजिंग मिल जाएंगी और पीछे गोल्डन कलर में यामा का लोगो, काफ़ी स्पोर्टी और एकदम स्लीक डिज़ाइन दिया है कंपनी ने गाड़ी को। और पीछे मिलता है LED टेल लैंप और ये नीचे हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स, काफ़ी स्लीक एंड शार्प डिज़ाइन गाड़ी को कंपनी ने दिया है। और ये नेम प्लेट का ऑप्शन और ये शार्क जैसी फिन डिज़ाइन। और ये नीचे आपको मिलता है रिफ्लेक्टर। दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है और मफलर भी देख लो आप। ये देखो गाड़ी का साइड प्रोफाइल।
दोस्तों इस तरफ भी आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, काफ़ी एरोडायनामिक और शार्प डिज़ाइन है गाड़ी का। ऊपर मिलता है मॉन्स्टर एनर्जी का बैच, थोड़े वाइट स्ट्रिप में ग्राफिक्स। दोस्तों ये मॉन्स्टर एडिशन है, स्कूटर में स्पोर्टी टच रखने के लिए इतने सारे ग्राफिक्स और बैजेस दिए गए हैं। और ये है गाड़ी की मोटर, इस पर आपको यामाहा का लोगो मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा रखा गया है, ये देख लो आप। ऊपर रेवस्टीयर हार्ट का लोगो मिलता है और वही जो लेफ्ट साइड में जितने भी स्टिकर्स है वही आपको राइट साइड में भी मिल जाएंगे। इनोस का स्टिकर, मॉन्स्टर एनर्जी का बैजेस। ये फूट रूफ है, ये आपको मोटे रबर का मिलेगा। और ये दोस्तों देख लो गाड़ी की साइड प्रोफाइल। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है एक्सटर्नल फ्यूल टैंक, जो गाड़ी का स्पेशल फीचर है। 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक है और यहाँ पे आपको स्पेशल पॉकेट मिलता है जिसमें आप मोबाइल या छोटी चाबी वगैरह छोटा मोटा सामान भी रख सकते हो। दोस्तों फ्रंट प्रोफाइल साइड प्रोफाइल देख ली गाड़ी के, अब देखते हैं गाड़ी के लाइट सेक्शन। दोस्तों ये हेडलाइट नहीं है, पूरा कैरेक्टर है गाड़ी का, एकदम बोल्ड और फियरलेस। दोस्तों हेडलैम्प काफ़ी डायनामिक और सोफिस्टिकेटेड लुक देते हैं गाड़ी को। ऊपर आपको LED DRL मिल जाएंगे जो इंडियन मार्केट में फिलहाल किसी भी स्कूटर में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों क्या ही लुक मतलब मिल रहा है गाड़ी को, काफ़ी शानदार LED DRL, पोजिशन हेडलैम्प भी गाड़ी में। अब मैं आपको दिखाता हूँ लो बीम और हाई बीम सेक्शन। दोस्तों की लगाते ही इसका लो बीम सेक्शन ऑन हो जाएगा, ये देख लो आप लो बीम। अब मैं आपको इसका हाई बीम ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों हाई बीम प्रेस करने के बाद इसके हाई बीम लाइट जो है ऑन हो जाएंगे। स्टाइल के साथ काफ़ी एक्सीलेंट विजिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं ये स्टाइलिश हेडलैम्प। दोस्तों हेडलैम्प सेक्शन तो आपने देख ही लिया होगा। अब ये नीचे आते हैं लो टर्न इंडिकेटर्स, ये हेलोजन में आते हैं। कंपनी यहाँ पे LED भी दे सकती थी लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दिया। दोस्तों इसके हेडलैम्प भी देख लिए, इंडिकेटर्स भी देख लिए, अब देखते हैं इसके रियर टेल लाइट। तो चलिए, तो दोस्तों ये इसका टेल सेक्शन, ये देख लो आप LED हेडलाइट्स। इसके अंदर 12 LED बल्ब लगाए गए हैं और नीचे आते हैं टर्न इंडिकेटर्स। इसमें हेलोजन बल्ब आते हैं लेकिन ऊपर जो लाइट है वो LED मिलती है। दोस्तों पैटर्न देख लो आप, यंगस्टर्स की चॉइस और न्यू जनरेशन को ध्यान में रख के हर एक पार्ट जो है वो गाड़ी का डिज़ाइन किया है कंपनी ने। दोस्तों इसकी फायरिंग भी काफ़ी लाजवाब है, मैं आपको सुना देता हूँ। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इसकी फायरिंग कैसी लगी। एग्जॉस्ट इतना बड़ा है इसका तो फायरिंग तो बड़ी होगी। ये देखो दोस्तों हल्का सा ही थ्रोटल कर रहा हूँ, मैं रेस दे रहा हूँ, पर इतना पीछे गाड़ी घूम रहा है। तो अब टॉर्क का अंदाजा लगा लो कितना टॉर्क है गाड़ी में। ऐसा लग रहा है जनरेटर खड़ा कर दिया साइड में, ये जैसे बाइक्स में बुलेट है वैसे स्कूटर्स में एयरॉक्स आ गया है अभी। दोस्तों बात करते हैं टायर ब्रेक्स और सस्पेंशन की। सामने आते हैं 26mm के टेलीस्कोपिक फॉर्क, फुल कम्फर्ट आपको मिलने वाला है रोड पर चलाओ या खेत में चलाओ। 230mm के डिस्क ब्रेक सामने आते हैं, वो भी ABS के साथ। 110/80 का ट्यूबलेस टायर आपको सामने मिलता है। इतना मोटा टायर अभी तक किसी भी स्कूटर में नहीं लगाया गया है, इससे क्या होगा दोस्तों स्लिप होने के चांसेस जो है बिल्कुल कम हो जाएंगे। अब तो इसमें ABS भी आ गया है तो गिरने का तो कोई टेंशन ही नहीं है गाड़ी से। पीछे कंपनी ने दिया है 140/70 का सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर जो काफ़ी बढ़िया ग्रिप देता है। R15 पल्सर KTM जैसे 200 से 250 cc वाली गाड़ियों में ये टायर देखने को मिलते हैं। मोटरसाइकिल जैसे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर गाड़ी में आते हैं जो एक्सट्रीमली स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस ड्राइवर को देते हैं। लेफ्ट में भी आपको शॉक मिल जाएगा और राइट में भी स्प्रिंग मिल जाएगी ताकि हाई स्पीड पे भी गाड़ी कंफर्ट देती रहे और ग्रिप भी ना छोड़े। दोस्तों कॉर्नरिंग टायर से ये आपको गाड़ी में मिलते हैं। 14 इंच का इसका एलॉय व्हील है, इतना बड़ा एलॉय व्हील तो ग्रिप तो आपको पूरी मिलने वाली है, गिरने का तो कोई चांस ही नहीं है ना कोई रिस्क है क्योंकि ABS के साथ टायर और ब्रेक्स आते हैं। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का सीट। गाड़ी का सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, यहाँ पे AeroSee बैजिंग मिलती है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है गाड़ी का। स्टेप अप सीट आपको इसमें मिल जाता है, काफ़ी चौड़ा सीट है और ब्रॉड सीट है। सीट की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे आपको AeroSee बैजिंग देखने को मिल जाएगी और थोड़ा वाइट स्टिचिंग आर्ट आपको सीट के ऊपर मिल जाएगा जो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन और लुक सीट को देते हैं गाड़ी के। और दोस्तों यहाँ पे पैरों के पास आपको मिलता है एक्सटर्नल फ्यूल लीड, 5.5 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के कि किस तरह से खोल सकते हो। इस तरह आपको चाबी को अंदर लगाना है और राइट साइड में घुमाना है और जो ऊपर फ्यूल का बटन है उस पर अगर आप प्रेस करोगे तो ये लीड खुल जाएगा। ये देखो आपको ढक्कन खोलना है और सीधा इसमें आप फ्यूल डाल सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ सीट कैसे खोलते हैं। सीट खोलने के लिए आपको सीधा सीट बटन दबाना है सिंपल और इस तरह सीट खुल जाएगी। दोस्तों 24.5 लीटर का इसमें सीट बूट आपको मिलता है जो बाकी स्कूटर में 21 लीटर का ही आता है। हेलमेट के साथ बहुत सारी चीज़ें इसमें आराम से बैठ जाएंगी, इसके अंदर भी सेक्शन मिलते हैं आपको और आराम से सीट जो है बंद हो गया। ड्राइवर के कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे आपका आगे पॉकेट मिलता है जिसके अंदर आप मोबाइल चार्जिंग कर सकते हो। यहाँ पे USB सॉकेट मिलता है, ये देखो। इसके अंदर आप कॉर्ड लगा के
बड़े आराम से मोबाइल चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। दोस्तों कंसोल में भी काफ़ी अपग्रेडेड है स्कूटर। इसमें आपको फुल्ली डिजिटल जो है LCD क्लस्टर मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसे बोलते हैं। ये देखो की ऑन करते ही काफ़ी स्पोर्टी जो है ओपनिंग करता है, गाड़ी वेलकम करता है आपको। दोस्तों ये ऊपर आपको टाइम देखने को मिल जाएगा और ये बड़ा सा इसका स्पीडोमीटर, ये ट्रिप मीटर यहाँ पे आपको मिल जाएगा और ये फ्यूल गॉज है और दोनों साइड में आपको RPM मीटर जो है देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों काफ़ी बढ़िया इसका क्लस्टर है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है जिसके अंदर फ़ोन बैटरी स्टेटस, कॉल अलर्ट, SMS एंड ईमेल अलर्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसमें अगर आप मोबाइल की ऐप लेते हो तो फ्यूल कंजप्शन ट्रैकर, मेंटेनेंस रिकमेंडेशन, मेल फंक्शन, नोटिफिकेशन, रेस डैशबोर्ड जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। लेफ्ट टर्न इंडिकेटर के लिए स्पेशल सिंबल और राइट टर्न इंडिकेटर आपको इस तरफ मिलेगा, ये ऊपर देख लो। और यहाँ पे आपको गोल्डन में यामा का जो है लोगो मिलता है, इंजन वेल फंक्शन, हाई बीम लो बीम, इंजन टेम्परेचर, ऑटोमेटिक स्टॉप एंड स्टार्ट सिस्टम का भी इंडिकेटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें मेनू बटन भी दिया गया है जिसे दबाने के बाद ये देखो आप ये ट्रिप ब्लूटूथ ब्राइटनेस लेवल चेंज कर सकते हो। ऑटोमीटर दिख गया यहाँ पे और ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ये फीचर्स गाड़ी को कंपटीशन लेवल से काफ़ी आगे लेके जाते हैं। लेफ्ट हैंडल पे आपको मिलता है ये मेनू बटन और ये हाई क्वालिटी रबर का फ्लोटर आपको मिलता है। ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑफ का स्विच जो यहाँ पे मिलता है। फ्यूल इफिशियंसी जो है काफ़ी बढ़ जाती है गाड़ी की और यहाँ आपको साइलेंट स्टार्ट का ऑप्शन इधर ये देख लो कंसोल। और इस तरफ आपको मेनू बटन मिल जाएगा, लो बीम हाई बीम स्विच, टर्न इंडिकेटर स्विच आपको नीचे मिलते हैं और ये हॉर्न का बटन आपको नीचे मिलता है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही तगड़ी है, यहाँ पे एल्यूमिनियम के ब्रेक्स जो आपको दोनों साइड में मिलते हैं। दोस्तों अब देखते हैं इंजन को। इसमें आता है 155 cc का फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो 4-stroke 4-valve SOSC इंजन है। ये 15 PS की पावर जनरेट करता है और लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ ये इंजन आता है। सीधी बात है R15 का ही इंजन इसमें लगाया गया है, बस इसमें गियर नहीं है। इंजन में SMG यानी स्मार्ट मोटर जनरेटर सिस्टम लगाया गया है जिससे गाड़ी को काफ़ी सारे स्टार्ट मिलता है। ऑटोमेटिक स्टॉप एंड स्मार्ट सिस्टम भी गाड़ी में लगाया है जिससे फ्यूल इफिशेंसी गाड़ी की बढ़ जाती है। इसमें VVA भी आता है, VVA यानी वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, जिससे एकदम लो या एकदम हाई RPM पे भी गाड़ी का इंजन काफ़ी स्मूथली परफॉर्मेंस देता है। दोस्तों इतने सिस्टमेटिक फीचर्स और इंजन इंडिया में अभी तक किसी भी स्कूटर्स में नहीं मिलते। इसमें इंजन कट ऑफ स्विच भी आता है, ये देखो अगर जब स्टैंड पे गाड़ी रहेगी, जब स्टैंड ऑन रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्ट करके, ये मैंने की ऑन किया अभी और ये देखो आप अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ लेकिन स्टार्ट ही नहीं हो रही गाड़ी। अभी हम क्या करेंगे स्टैंड ऊपर करेंगे और ये देखो दोस्तों मैं प्रेस कर रहा हूँ और ये देखो फटके से एकदम साइलेंटली स्टार्ट हो गया एयरॉक्स। अब देखते हैं एयरॉक्स 155 का सीटिंग पोस्चर और कंफर्ट। काफ़ी कंफर्टेबली जो है दोस्तों मैं इस पर बैठ गया हूँ और देख लो कितना बड़ा लेग रूम स्पेस इसमें मिल जाता है आपको। काफ़ी कैची डिज़ाइन है बॉडी का, नीचे देखते ही आपको अट्रैक्ट कर लेगी इसका डिज़ाइन। और दोस्तों इसमें आपको एक ही प्रॉब्लम होने वाली है, वो है पेट्रोल भरते वक्त जो आपकी फ्यूल लीड है इस तरह आपको डालनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपना एक पेज जो नीचे करना पड़ेगा तभी आप आराम से इसमें पेट्रोल भर पाओगे। पूरा बाइक का ही फील मुझे इस पर बैठने के बाद आ रहा है। आप भी देख लो इसका सीटिंग पोस्चर और किस तरह गाड़ी दिखती है, किस तरह आप इस पर दिखोगे। एक्सटर्नल फ्यूल लीड की वजह से दोस्तों आप यहाँ पर सामान नहीं रख पाओगे, जैसे हम नॉर्मल स्कूटर में यहाँ पर सामान रखते थे, लेकिन यहाँ पर फ्यूल टैंक की वजह से सामान आप नहीं रख पाओगे। काफ़ी कंफर्टेबली इस पर बैठा जा सकता है, कोई बैक पेन वगैरह या कुछ शोल्डर स्ट्रेस नहीं आता और ये सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। दोस्तों पीछे वाला रियर पैसेंजर को भी काफ़ी बढ़िया जगह मिल जाती है, यहाँ पे ग्रैब रेल मिलते हैं पकड़ने के लिए और यहाँ पे पीछे आपको यामा का गोल्डन लोगो मिल जाता है। स्पेस भी काफ़ी बड़ा है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है स्कूटर का। दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें तो यामा ने एयरॉक्स को लॉन्च करके कॉम्पिटिशन कुछ अलग ही लेवल का बढ़ा दिया है। काफ़ी बल्कि डिज़ाइन, शार्प एजेस, रफ बिल्ड क्वालिटी, एक्सीलेंट क्वालिटी का मटेरियल फिनिश गाड़ी में मिलता है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 150,000 से 160,000 के बीच सारे मॉडल यामा के एयरॉक्स के आपको मिल जाएंगे। फीचर्स काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं एयरॉक्स 155 को। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, SMG, VVA, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, इंजन कट ऑफ स्विच, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी जैसे ढेर सारे फीचर्स गाड़ी में आपको मिलते हैं। लिक्विड कूल इंजन के साथ गाड़ी आती है। स्कूटर्स की जो डेफिनेशन थी एयरॉक्स के लॉन्च होने के बाद पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। प्राइस के हिसाब से एयरॉक्स थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन जो फीचर्स कंफर्ट जो गाड़ी में मिलते हैं वो प्राइस को पूरी तरह जस्टिफाई करते हैं। ये देखो दोस्तों एक बार आप वीडियो पॉज करके जो साइड में स्कूटर जा रहा है उसको देख लो और एक बार एयरॉक्स 155 को देख लो। दोस्तों अब देखते गाड़ी का माइलेज। अगर माइलेज की बात की जाए तो 40 से 45 तक का जो है आपको 1 लीटर में इसका एवरेज मिल जाएगा और टॉप स्पीड की अगर बात करें तो 100 से 111 की जो है टॉप स्पीड गाड़ी पकड़ लेती है।
जो काफ़ी इसका प्लस पॉइंट है। इंडियन मार्केट में मैक्सिमम स्कूटर्स 90 क्रॉस नहीं करते, लेकिन 111 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जो है आपको एयरॉक्स 155 से मिल जाएगी। दोस्तों हम थैंक्स करना चाहेंगे वाजिद सर का, जिन्होंने हमें एयरॉक्स 155 का रिव्यू करने की परमिशन दी। और दोस्तों एयरॉक्स 155 का ये पहला ही मॉडल है जो औरंगाबाद में अवेलेबल है, और ये एक्सीड जो यहाँ में एक्सीड मोटर्स जो आकाशवाणी के पास है वही पे आपको मॉडल मिल जाएगा। आकाशवाणी शोरूम के अपने पास अवेलेबल है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट बाइक है, हमने अवेलेबल करा है, और यहाँ से आगे बुकिंग भी करना है आपको तो हमारे पास मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था एयरॉक्स 155 का कंप्लीट रिव्यू। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।